नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। कल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रथम सूची में 41 उम्मीदवारों की घोषणा की है। उस सूची को देखें तो कुछ चौंकाने वाले फैसले भारतीय जनता पार्टी ने किए। भारतीय जनता पार्टी के 41 नामों में 40 वो सीटें हैं जो वर्तमान में हारी हुई हैं, और उनमें से कुछ सीटें तो ऐसी हैं जो भाजपा ने पिछले काफी समय से नहीं जीती। एक सीट जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास है उसकी घोषणा हुई है, वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी की लगभग सुरक्षित सीट मानी जाती है। उस सीट में भी वर्तमान विधायक नरपत सिंह राजवी का टिकट काट करके राजसमंद से सांसद दिया कुमारी को टिकट दिया गया। इसके साथ ही एक और चौंकाने वाला फैसला किया गया कि जब 2018 का चुनाव हुआ, 2018 में भारतीय जनता पार्टी के 200 प्रत्याशियों में तीसरे नंबर पर जो प्रत्याशी सबसे ज्यादा वोट लेकर रहे थे राजपाल सिंह शेखावत, जो झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से, उनका भी टिकट काट करके जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिया गया है। ये दोनों टिकटें काटने के बाद लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वसुंधरा राजे गुट को यह साफ संदेश देना चाहता है कि हम आपकी बगावत या आपकी हठधर्मिता को नहीं अपनाने वाले हैं। हम जो फैसला करेंगे वो शीर्ष नेतृत्व अपने हिसाब से करेगा। इसके साथ ही अपन अगर शेखावाटी की सीटों का विश्लेषण करें तो शेखावाटी के जो पुराने तीन जिले हैं झुंझुनू, सीकर, चूरू, उनमें केवल जो 21 सीटें हैं उनमें से 8 सीटों की घोषणा की गई है। इन सीटों का एक एक सीटों की विश्लेषण अपन करें तो चूरू की सुजानगढ़ सीट का विश्लेषण का घोषणा की गई है, जिसमें श्रीमती संतोष मेघवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। संतोष मेघवाल पिछला चुनाव निर्दलीय लड़ चुकी हैं और लगभग 35,000 वोट उन्होंने लिए, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। झुंझुनू जिले की 4 सीटों की घोषणा की गई है। इन 4 सीटों में नवलगढ़ से विक्रम सिंह जाखल, जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, उनको ने भी लगभग 30,000 के आसपास उन्होंने वोट लिए थे, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ ही झुंझुनू सीट की बात करें तो झुंझुनू में पिछले साल के बागी रहे बबलू चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। बबलू चौधरी ने लगभग 29,000 वोट लिए थे। इसके साथ ही उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र से शुभकर्ण चौधरी को चुनाव लड़ाया गया है। शुभकर्ण चौधरी 2018 और 2013 में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रह चुके। 2013 में वो विधायक बने थे, लेकिन 2018 में वो 5,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। इसके साथ ही मंडावा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो मंडावा विधानसभा क्षेत्र में झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक नरेंद्र खीचड़ को प्रत्याशी बनाया गया है। नरेंद्र खीचड़ पहले भी मंडावा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे हैं। एक बार निर्दलीय विधायक बने थे, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने थे, लेकिन दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनाने के बाद लोकसभा चुनाव में उनको सांसद की टिकट देकर के सांसद का चुनाव लड़ाया था। उसके बाद उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां से हार गई थी, जो वर्तमान में कांग्रेस की सीट है। सीकर जिले की बात करें तो सीकर की लक्ष्मणगढ़ और दातारामगढ़ विधानसभा सीट पर टिकटें दी गई हैं। इसके साथ ही फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की से भी टिकट दी गई। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले ही कुछ दिनों पहले सीकर की एक बड़ी कोचिंग सीएलसी के संचालक इंजीनियर सरवण चौधरी, जो भाजपा में शामिल हुए थे, उनको एकाएक प्रत्याशी बनाया गया। इसके साथ ही लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से पहले भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उसके बाद निर्दलीय एवं कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके सुभाष महरिया को प्रत्याशी बनाया गया। इसके साथ ही दातारामगढ़ से पूर्व में जो प्रत्याशी रहे हरीश कुमावत, उनके पुत्र गजानंद कुमावत को प्रत्याशी बनाया गया। अगर हम बात करें शेखावटी की इन 8 सीटों की, तो इनमें से 4 सीटें वो सीटें हैं जो पहले पार्टी से बगावत कर चुके हैं, उनको प्रत्याशी बनाया है। सुभाष महरिया और सरवण चौधरी वो प्रत्याशी हैं जो कुछ ही समय पहले भाजपा में आए हैं। तो 6 सीटें इस तरीके से या तो बागियों को या बाहर से लाकर के चुनाव लड़ाया गया है। केवल भारतीय जनता पार्टी, जो कैडर बेस्ड पार्टी होने का दावा करती है, उसने केवल अपने 2 कार्यकर्ताओं पर वो विश्वास कर पाई है। क्या इसी तरीके से अगर आने वाली सूचियों में भी इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सूची जारी करती रही, तो क्या कैडर बेस्ड पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी
या अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, अपने बूथ बूथ तक के कार्यकर्ताओं के बलबूते पर चुनाव जीतने का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर पाएगी, और वो कार्यकर्ता क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में उस बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर जो काम करते हैं वहां काम करके क्या चुनाव जीताने में अपनी भूमिका निभाएंगे, ये आने वाले समय में देखना होगा।